हेलो एवरीवन, आज हम उत्पादन तथा लागत प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बारे में जानेंगे। ये आप लोगों का चैप्टर 3 है। इसमें हम जानेंगे उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन के बारे में, उत्पादन के संगठन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने उपभोक्ता के बारे में जाना था, ठीक है। उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तुओं का उपभोग करता है और वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ से उपलब्ध करने की कोशिश करता है। अब इस चैप्टर में हम लोग एक उत्पादक के बारे में जानेंगे, ठीक है। उत्पादक जो वस्तुओं का उत्पादन करता है और कम कॉस्ट में अधिक से अधिक प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में जब हम लोग उपभोक्ता के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग अपने आप को उपभोक्ता मान रहे थे, और इस चैप्टर में हम लोग उत्पादक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपने आप को उत्पादक मानेंगे, ठीक है। उत्पादक वो जो कोई भी वस्तु उत्पादन करता है, ठीक है। तो हम लोग अपने आप को यहाँ पे उत्पादक मानेंगे यानी कि प्रोड्यूसर मानेंगे, और प्रोड्यूसर किस तरीके से कम लागत में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, हम उसके बारे में सोचेंगे और हम एकदम अपने आप को उत्पादक की तरह ही मानेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं उत्पादन के बारे में, ठीक है, प्रोडक्शन के बारे में। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है, ठीक है। उत्पादन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को यानी कि इनपुट्स को निर्गतों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो इनपुट्स को आउटपुट्स में परिवर्तित यानी कि बदला जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम उत्पादन कहते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स। तो इनपुट्स क्या होते हैं? जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, और जिसके द्वारा हम कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। अब हम जानते हैं उत्पादन के संगठन के बारे में। उत्पादन के संगठन क्या होते हैं? जो चीज़ें उत्पादन की प्रक्रिया में मदद करते हैं उन्हें हम उत्पादन के संगठन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ उत्पादन करने में, जैसे मुझे ये मार्कर अगर मुझे उत्पादन में मदद कर रहा है तो इसे भी हम उत्पादन का संगठन कहेंगे, ठीक है। तो उत्पादन के संगठन 4 हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है? द थिंग्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहला जो उत्पादन का संगठन है वो है भूमि, लैंड। तो हम भूमि या लैंड किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र की भाषा में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, सूरज का रोशनी हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आती है? भूमि में आती है, ठीक है, उसे हम लैंड कहते हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि सारी जो प्राकृतिक जो संपदा है वो सारी भूमि में आती है, ठीक है। वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। और भूमि से काम लेने के बाद जो चीज़ हम उसे वापस देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम किराया, ठीक है, उसे हम किराया कहते हैं, या फिर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेंट कहते हैं, ठीक है। रेंट या किराया इन्हें वापस मिलता है, ठीक है। काम के बदले में जो चीज़ हम इन्हें वापस देते हैं उसे हम किराया कहते हैं, रेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो उत्पादन का संगठन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो है श्रम, लेबर।
तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी इंसान मदद करता है उसे हम लेबर कहते हैं, ठीक है, उसे हम श्रम कहते हैं, श्रमिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो श्रम है ये दो तरह का है, एक होता है शारीरिक श्रम, जैसे हम देख सकते हैं कि जो शरीर से जो कार्य किया जाता है उसे हम शारीरिक श्रम कहते हैं, और दूसरा होता है मानसिक श्रम, जैसे कि जो हम कैलकुलेशन वगैरह जो करते हैं जिसमें हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मानसिक श्रम, ठीक है। तो श्रम दो तरह के हैं, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। वैसे ही लेबर जो है ये फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर, ठीक है। तो फिजिकल लेबर वही है जो हम फिजिकली किसी कार्य को करते हैं, और मेंटल लेबर वो है जो हम मेंटली किसी कार्य को करते हैं। तीसरा, उत्पादन का संगठन, भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल वह होता है जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में हमें लगता है, और बिना भौतिक पूंजी के हम कुछ उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि भवन हो गया, कार हो गया, रुपया हो गया, ठीक है, कच्चा माल हो गया, ये सारे क्या हुए, भौतिक पूंजी हुए। तो भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल भी दो तरह के हैं, एक होता है स्थाई पूंजी और दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। स्थाई पूंजी को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, जैसे कि भवन हो गया, कार हो गया, तो इन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट टर्म में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि कम समय में हम लोग इन्हें नहीं बदल सकते हैं, इन्हें बदलने के लिए हमें लंबा समय चाहिए। अगर मानिए कि इसमें अगर कुछ खराबी आ गई, अगर कार खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, इसे हम बदलते थोड़े ही हैं, हम इसे क्या करते हैं कि हम मैकेनिक को बुला के और इसे ठीक करवा लेते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर घर में मानिए कि सीपेज हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम घर को रिपेयर करवा लेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कम समय में हम लोग शॉर्ट टर्म में इन्हें बदल नहीं सकते हैं, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, यानी कि स्थाई पूंजी, ठीक है। इंग्लिश में इसे फिक्स्ड कैपिटल कहेंगे और हिंदी में क्या कहेंगे, स्थाई पूंजी, ठीक है। उसी तरीके से कार्यशील पूंजी भी होता है। कार्यशील पूंजी क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म में ये उत्पादन की प्रक्रिया में ये ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि रुपया हो गया या फिर जो कच्चे माल होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो कच्चे माल क्या होते हैं, कच्चे माल शॉर्ट टर्म में क्या हो जाते हैं, ये खपत हो जाते हैं। जब हम उत्पादन प्रक्रिया में इन्हें जब यूज करेंगे, इनका जब इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल जो हुआ, यानी कि कार्यशील जो पूंजी हुई, जिन्हें हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म में ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं, और फिर दूसरे प्रोडक्शन में हमें फिर से दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर से हमें नए रॉ मटेरियल चाहिए, फिर हमें पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें उत्पादन प्रक्रिया में हमें फिर से यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो भौतिक पूंजी या फिजिकल कैपिटल जो है वो दो तरह के हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल स्थाई पूंजी है, और दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल या फिर कार्यशील पूंजी। चौथा और अंतिम जो संगठन है वो है मानव पूंजी या फिर एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मानव पूंजी क्या करता है, मानव पूंजी जो है वो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। यानी कि इनको भूमि का कितना उपयोग करना है, श्रम का कितना उपयोग करना है, ठीक है। भूमि को जो रिम्यूनरेशन दिया जाता है, यानी कि काम के बदले उसे जो मिलता है उसे हम किराया कहते हैं। श्रम को काम के बदले जो मिलता है उसे हम वेतन कहते हैं, यानी कि श्रमिक जो हम काम करते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में जो सहयोग करते हैं, तो उनको बदले में क्या मिलता है, उनको वेतन मिलता है। भौतिक पूंजी जो है, भौतिक पूंजी को काम के बदले क्या मिलता है, उन्हें ब्याज मिलता है, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है, यानी कि जो तीनों को एक साथ जो बनाकर और चलता है, और जो उत्पादन की प्रक्रिया में तीनों को कितना भूमि चाहिए, कितना श्रम चाहिए और कितना भौतिक पूंजी चाहिए, और तीनों को ऑर्गेनाइज करके और जो कार्य करवाता है,
उसे रिम्यूनरेशन क्या मिलता है, उसे जो बदले में जो चीज़ उसे मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो लाभ कमाता है, ठीक है। जो मानव पूंजी जो होता है, जो तीनों को ऑर्गेनाइज करता है, वो क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो उसकी मोटिव क्या होती है, उसकी मोटिव होती है लाभ कमाना, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है या फर्म भी हो सकता है। तो ये लाभ कमाने के उद्देश्य से ये तीनों को एक साथ ऐसे कंबाइन करता है कि उसका जो लागत है, यानी कि जो कच्चे माल हैं, जो श्रम है और जो भौतिक पूंजी है, इसमें वो समन्वय बना के चलता है और लागत कम करके और वो क्या कमाता है, वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो यही उसका मोटिव होता है, यही उसका उद्देश्य होता है, किसका, एंटरप्रेन्योर का। आशा है आप लोगों को उत्पादन और उत्पादन का संगठन अच्छे से समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन को। अधिक वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।